हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर अनदर वीडियो। दोस्तों, वन प्लस जल्द ही अपनी एक और बजट फ्लैगशिप फोन को लॉन्च करने जा रही है, जो कि वन प्लस 9 लाइट या फिर वन प्लस नॉट 2 के नाम से लॉन्च हो सकती है। और ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट लगा होगा। ये क्वालकॉम का न्यूली अनाउंस चिपसेट है, जो कि स्नैपड्रैगन 888 का लाइटर वर्जन होगा। ये एक 5G एनेबल चिपसेट है, जो कि 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। अब डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाली एमोलेड पैनल दी जाएगी, जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज का होगा। इसका सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का होगा और रियर साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें कि मेन सेंसर सोनी सेंसर होगा, जो कि 48 मेगापिक्सल वाला होगा। और इसमें भी आपको OIS और EIS का सपोर्ट दिया जाएगा। दूसरा, इसमें 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा और बाकी के दो अभी कंफर्म नहीं है। वहीं बैटरी की बात करें तो इसमें 4300 mAh की बैटरी दी जाएगी, जो कि 30 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। लेकिन बजट फ्रेंडली होने की वजह से ना ही इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा और ना ही कोई IP रेटिंग। अब इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये लगभग 35,000 के आसपास में लॉन्च हो सकती है, जो कि आने वाले सैमसंग गैलेक्सी A72 5G मॉडल, Mi 10T और Pixel 4a को कड़ी टक्कर दे सकती है। वैसे इस फोन का लॉन्च डेट तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस फोन को मार्च में वन प्लस 9 सीरीज के साथ लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे और भी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं आपसे नई वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अलविदा, और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।